देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। इसके बाद एसपी ने पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं बैठक समापन के बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को आगे बढ़ाना, इसके साथ ही स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम समेत ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। बता दें कि देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह इससे पहले हरिद्वार के एसएसपी थे। देखिए, पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बनाना है, वही प्राथमिकता मेरी भी रहेगी और मेरी टीम की भी रहेगी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रग्स फ्री अभियान है, ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025, उसको साकार करने के लिए देहरादून पुलिस को अभी हमने अधिकारियों को ब्रीफ भी कर दिया है और वो भी प्राथमिकता के आधार पर रहेगा, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, जहां पर इन्फोर्समेंट के साथ साथ जन सहभागिता भी बढ़ाई जाएगी और विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक दिन जो सैटरडे होगा उसमें थानेवार उसमें चौपाल लगा के लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई गोपनीय सूचना देना चाहता है तो संबंध में भी उनको बताया जाएगा और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट पर भी इसमें कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी होगी। तीसरा, मैं मानता हूँ कि जो प्राथमिकता में होनी चाहिए वो स्ट्रीट क्राइम है, चूँकि जो हमारे शहर में स्नैचिंग हो जाती है, मोबाइल स्नैचिंग हो, चेन स्नैचिंग हो या अन्य तरह की स्नैचिंग हो, या शहर में सरेआम झगड़े हो जाते हैं, कभी स्टूडेंट्स के बीच में हो जाते हैं या अन्य कारणों से लोगों में होते हैं, तो इस तरह के स्ट्रीट क्राइम पर लगाम लगाना भी प्राथमिकता होगी, चूँकि जो इस तरह के जब क्राइम